कि जब इंसान को वाकयान अपनी दुआ कबूल करवानी हो और दुआ कबूल ना हो रही हो तो कई मरतबा 40 दिन तक अपने आप को आलूदगी से पाक रखो, दुआ कबूल हो जाएगी। तो बहुत सी दुआओं के लिए इंसान को आमाल करने पड़ते हैं। अब दो या तीन आमाल जल्दी मैं पेश कर दूं कि जो 40 दिन कीजिए दुआ जरूर कबूल होगी। उलमा ने बताए हैं चंद नुस्खे, कभी दुआ अगर कबूल ना हो रही हो, आगा बहुत अहम दुआ है कबूल नहीं हो रही, तो क्या किया जाए? कहा चिल्ला। आप कितना चिल्ला, कभी आपने सोचा चिल्ला क्या लफ्ज है? ये चिल्ला फारसी से आया, चहल फारसी में कहते हैं 40 को चहल, चहल कहते हैं चहलुम, वहीं से चहलुम भी आया 40। अरबईन अरबी में, फारसी में कहते हैं चहलुम, अरब कहते हैं क्योंकि हदीस में आया अरबईन हुसैनी, फारसी में कहते हैं चहलुम, उसे आप कहते हैं उर्दू में 40वां मिसाल के तौर पे। तो अब चहलुम है, उसी चहलुम से है चिल्ला, यानी 40 दिन किसी काम को अंजाम देना। तो हमारे उलमा कहते हैं, क्योंकि रसूल खुदा की हदीस पेश कर दूं, और ये मरहूम बहुत बड़े हमारे कारिफ गुजरे हैं सैयद महदी बहरुल उलूम, उनका रिसाला मंसूब आगा बहरुल उलूम, रिसाला इरफान उनका है, उसमें उन्होंने इस हदीस को लिखा रसूल खुदा की कि मन असबह लिल्लाह अरबईन सबाहन यफ्तहुल्लाह अबवाब अलहिकमत मिन क़ल्बिही इला लिसानिही। जो 40 दिन मुसलसल हर काम खुलूस से अंजाम दे, सिंसियरली अंजाम दे, इखलास के साथ अंजाम दे, तो अल्लाह हिकमत और दानाई के विजडम के दरवाजे उसके दिल से जबान पे खोल देता। 40 दिन शर्त है, पता नहीं लोग हैं या नहीं। बड़े बड़े उलमा कहते हैं हमने इस 40 का बड़ा असर देखा है। 40 दिन क्यों जरूरी है? हमारे यहां इस्लाम में 40 साल, रसूल खुदा को कहा ऐलान रिसाला चार जनाब मूसा चार, तो 40 साल, 40 महीने के लिए भी है, 40 हफ्ते भी, हम शिकम मादर में 40 हफ्ते रहे हैं। अगर यहाँ के अगर कभी आपके घर में किसी की विलादत हुई तो वो उमूमन जो है, ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं इनसे बड़ा क्या मैं क्या सुना, लेकिन बहरहाल अब मजलिस मैं ही पढ़ रहा हूँ। तो अब देखें, आपको बुक मिलती है डॉक्टर्स की तरफ से, डॉक्टर साहब बता देंगे, उमूमन वो मिडवाइफ आती है तो वो आपको जो बुकलेट देती है ना खवातीन को देती है, तो वो देती है 40 हफ्ते की, 9 महीने की नहीं, पता नहीं लोग हैं या नहीं, वो भी 40 हफ्ते हैं। तो इंसान की जिंदगी में सारे कमालात 40 से वाबस्ता, 40 साल, 40 महीने, 40 हफ्ते, 40 दिन, 40 घंटे, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। तब 40 दिन कोई दुआ मांगिए दिल से कबूल होगी। अब इमामों से पूछा, आइम्मा बड़े बड़े उलमा से पूछा क्या काम करें 40 दिन मुसलसल दुआ कबूल हो, तो कहा जो मुजर्रब है, मुजर्रब लफ्ज आपने सुना होगा, अरबी का लफ्ज है, तजर्बे से है कि आई हैव एक्सपेरिमेंटेड दिस, मैंने खुद इसका एक्सपेरिमेंट किया है, उसे कहते हैं मुजर्रब। जब भी उलमा अपनी किताब में लिखे ना कि ये अमल कीजिए काम हो जाएगा, ये मुजर्रब है, यानी मैं खुद तजर्बा कर चुका हूं, मुझे भी इसी से मसला हल होता है। तो उलमा ने लिखा 40 दिन कौन कौन से काम किए जाएं, तो कहा सबसे ज्यादा तीर हदफ है ज्यारत आशूरा 40 दिन, पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो 40 दिन ज्यारत आशूरा का पढ़ के देख लो, काम ना हो तो फिर कहना। और कौन से काम, का भी बहुत सिंपल सिंपल से काम है, चाहे एक तस्बीह पढ़ो, 5 पढ़ो, 12 पढ़ो, जो मर्जी पढ़ो, सलावात को 40 दिन पढ़ के तो देखो, सलावात को 40 दिन पढ़ के देखो, और एक तस्बीह इस्तिगफार की इशा की नमाज के बाद 40 दिन। एक मर्जा ने कहा कि भाई ये इस्तिगफार की, बच्चियों का रिश्ता ना हो रहा हो, औलाद का हो, रिस्क का हो, नौकरी का हो, वीजे का हो, मैं जिस काम के लिए देता रहता हूं। एक साहब को एक मतलब आया, कहने लगे मौलाना लग रहा सारी जिंदगी उलट गई है। तो मैंने कहा क्या मसाइल हैं? कहने लगे कि भाई ना रिश्ता हो रहा है, ना वीजा हो रहा है, ना जॉब का मसला हल हो रहा है। और मैंने कहा भाई ये, कहने लगे भाई इकट्ठे शुरू कर दूं। मैंने कहा भाई जानता हूं परेशान है। एक वक्त में हमारे वो मर्जा ने मुझे जो मैंने सुना था कि एक वक्त में एक काम के लिए, तो हफ्ता नहीं गुजरा था उनका फोन आके, मैं पहला काम हो गया छोड़ के दूसरे पे शुरू कर दूं। 40 दिन तो पूरे नहीं हुए हैं, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, दूसरे पे शुरू कर दीजिए। फौरन उनका 10 दिन 11 दिन बाद फोन आया, कहने लगा दूसरा काम भी हो गया, ऐसा तो नहीं कि रिवर्स हो जाए, मैं अगले पे चला जाऊं। मैंने कहा नहीं शुरू कर दें, तो तीसरे पे
तो 40 दिन के अंदर अंदर उनके तीनों काम हुए। तो जाने की रामी, ये ऐसे ऐसे अमाल हैं कि आपको अहले बैत अलैहिम सलाम का कोई अमल ले लीजिए। किसी ने अल्लामा तबतबाई से कहा, आगा मैं मसाइल के सैलाब में डूब रहा हूं, मसाइल के सैलाब में, इतने मसाइल हैं कि जिंदगी मसाइल उस्तान बन गई, मसाइल उस्तान बन गई है कि चारों तरफ से मसाइल में घिर गया हूं, तो क्या करूं, मुझे लगता है मेरी जिंदगी खत्म होती नजर आ रही है, कुछ काम नहीं हो रहा। तो कहा जितने सैलाब आए हुए ना, मसाइल का सैलाब आया हुआ, उससे बड़ा सैलाब सलवात का ले आ। उससे तो फरमाने लगे उससे बड़ा सैलाब सलवात का लिया, जो सारे के सारे मसाइल को सलवात में डुबो देगा तो खुद ब खुद जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी के अंदर मसाइल हल होते हैं तो सलवात से होते हैं। तो कहा अगर चाहते हो जिंदगी रवा चलती रहे, उसमें हर्डल्स ना आए, रुकावटें ना आए और पेचीदगियां ना आए, तो कहा क्या किया जाए, कहा सलवात ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहो।